हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू निटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस स्वेटर का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने इस डिज़ाइन को किया था कि डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। सेकंड पार्ट में इसका मैंने साइड पॉकेट कैसे बनानी है उसका वीडियो अपलोड किया था। थर्ड पार्ट में इसको बाजू में, जब बाजू बनाएंगे इस डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करेंगे, उस चीज़ का वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन पहले भी आपको बताया हुआ मैंने। अब इसको बाजू पे कैसे सेट करना है, ये देखिए, बाजू के फंदे डाल के ये मैंने यहाँ पे 2-4 नंबर की साइज़, जिसको 2-4 का नाप बैंगल का आता है उसके हिसाब से मैंने फंदे डाले हैं। 46 फंदे डाले हैं। अगर आपके पाँव हाथ में 2-6 का, 2-6 का साइज़ आता है चूड़ी का, बैंगल्स का, तो आप 48 फंदे डालें, और इससे बड़ा बनाना है तो आप 50 फंदे डालें। इससे बड़े साइज़ के लिए 50 फंदे डालें। ये मैंने 46 फंदे डाले हैं। इस पे डिज़ाइन कैसे सेट करेंगे, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो भी बॉर्डर बनाना चाहें वो बॉर्डर बना लें डिज़ाइन का, उसके बाद इस पे डिज़ाइन सेट करेंगे। सबसे पहले एक फंदा सीधा उठाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा बनाया, जाली डालते हुए इस फंदे को घुमा के सीधा करेंगे। ये देखिए, दो का एक कर लिया, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीछे करेंगे। यहाँ से 2 का 1 करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। फिर से यहाँ पे फिर से हमें एक फंदा सीधा बनाना है, जाली डालते हुए दूसरे फंदे को सीधा करके 2 का 1 करना है। ये वाला सिस्टम फिर से इधर आ गया, फिर से 6 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे उल्टे, 2 का 1 करेंगे। ये इधर से ऐसे जाएगा, ये इधर से ऐसे आएगा, ये फंदे घटते जाएंगे बाद में। 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा जाली डालते हुए 2 फंदे बीच में उल्टे रखेंगे, 2 फंदे उल्टे रख लिए। अब क्या करेंगे, ऐसे एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हैं, इस फंदे को सीधा करेंगे, जाली डालते हुए, ये देखिए सीधा किया, 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे। अब फिर से इस साइड पे 2 का 1 करते हुए जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, 2 इधर उल्टे आए थे, 2 इस साइड पे उल्टे आ गए। स्टिच हमें ऐसे ही बनाना है। उल्टी सिलाई में जाली वाले फंदे भी उल्टे आएंगे, जाली वाले फंदे भी उल्टे बनाएंगे। जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधा बनाइए, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बनाइए, जाली वाले फंदा भी उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही बना के पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई में जो फंदे सीधे दिख रहे थे उन्हें सीधे बना लिया, जो उल्टे दिख रहे थे उन्हें उल्टे बना लिया, और जाली वाले फंदे भी उल्टे बनाए। अब फिर से 2 फंदे जो साइड में रखे हैं उन्हें उल्टा बना लिया, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, इस फंदे के साथ जाली बनाई थी, फिर से इस फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फंदा सीधा करते हुए 1 उल्टा लेंगे, 1 सीधा लेंगे, दोनों के साथ जाली डालेंगे, 1, 2, 3, 4 पहले 6 फंदे बनाए थे उल्टे, अब 4 फंदे उल्टे आए, क्योंकि 1 इधर से कम होगा, 4 फंदे आए उल्टे। यहाँ से 2 का 1 करेंगे, जाली डालते हुए 2 फंदे, पहले 1 फंदा सीधा बनाया था, अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, सेंटर में 2 फंदे उल्टे, अब 1 फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, जाली डालते हुए इस फंदे को पहले सीधा कर लेंगे, 1 उल्टा फंदा लेंगे, जाली डालते हुए 2 का 1 करेंगे, अब
चार फंदे सीधे उल्टे बनाएंगे, पहले छह फंदे आए थे अब चार फंदे आएंगे, उल्टे फंदे घटते जा रहे हैं। ये देखिए अब जाली डालते हुए दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक, दो फंदे सीधे, यहाँ पे दो फंदे सीधे, जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा करके दो का एक करेंगे, सेंटर में चार फंदे, दो तीन, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, इधर से दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए दो फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे, ए स्टिच सीधा बनाएंगे। फिर से वैसा ही करेंगे, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें, ये देखिए उन्हें सीधा बनाना है, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बनाना है, जाली वाला फंदा भी उल्टा बुना जाएगा। अब सीधी सिलाई में ए स्टिच ऐसे ही उठाएंगे, दो फंदे उल्टे, उल्टे फंदे उल्टे साइड पे चल रहे हैं, अब तीन फंदे सीधे आएंगे, पहले एक आया था फिर दो आए थे अब तीन आ गए, यहाँ पे जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा करेंगे और साथ में जाली डालेंगे। ये देखिए पहले छह फंदे थे उल्टे, फिर चार हुए, अब दो फंदे उल्टे रह गए क्योंकि यहाँ पे घट रहे हैं, एक सीधा दो का एक करते हुए जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक दो तीन, जाली डालते हुए दो का एक करेंगे, सीधा कर लेंगे पहले फंदे को, सेंटर वाले दोनों उल्टे, यहाँ पे दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए आगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे, ये देखिए तीन फंदे सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे आ रहे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, ये तीन फंदे सीधे आ रहे हैं इन्हें सीधे बनाएंगे, जाली डालते हुए इस फंदे को पहले सीधा करेंगे, फिर पीछे की तरफ दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा ले लेंगे साथ में तो दो का एक करेंगे, इस साइड से दो का एक किया, जाली डालते हुए ये लास्ट के तीन फंदे सीधे सीधे ही बनाएंगे, ये दो फंदे उल्टे ए स्टिच, ऐसे उल्टी सिलाई में फिर से हमें जो उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बनाएंगे, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे, पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर में दो फंदे उल्टे आ गए, ये देखिए दो फंदे उल्टे आ गए, अब क्या करेंगे, पहले इस साइड पे जाली डाल रहे थे अब इस साइड पे जाली डालेंगे, इन तीन फंदों के साइड में इस साइड पे जाली डालेंगे, डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा, ये डिज़ाइन पहले भी अपलोड किया हुआ है मैंने वीडियो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन दो फंदों को उल्टा बना लिया, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को घुमा के सीधा करेंगे, दो का एक करेंगे, ऊपर से जाली डालेंगे और ये वाले तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, ये दो फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। अब इधर से एक दो तीन फंदे, ये देखिए तीन फंदे हमने सीधे बना लिए, यहाँ पे दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ऊपर से ऐसे बनाएंगे ताकि ऊपर जाली भी बनती जाए, अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस साइड पे इस फंदे को घुमा के दो का एक करेंगे पीछे की तरफ और ऊपर जाली डालेंगे, ये तीन फंदे सीधे ही बनाएंगे, ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे, उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, इन दो फंदों को बनाएंगे, ऊपर से जाली आएगी, अब इधर रखेंगे तो इस फंदे को सीधा करेंगे, पहले दो का एक करेंगे, ये देखिए जाली बना के तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, धागा ये देखिए तीन फंदे सीधे बनाए, इसको दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, लास्ट वाले दो फंदे उल्टे बनाएंगे ताकि ऊपर जाली भी बन जाए। उल्टी सिलाई में ध्यान से देखना फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई में ध्यान से देखना, ये देखिए दो फंदे सीधे बनाए, यहाँ पे जो जाली वाला फंदा है वो सीधा आएगा, नहीं तो उल्टे आते हैं जाली वाले फंदे, यहाँ पे सीधा आएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ध्यान से देखना, ये तीन फंदे,
चार फंदे उल्टे बनाए, दो फंदे जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाया, आगे उल्टे फंदे एक दो तीन चार, अब फिर से जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें हमें सीधा बनाना है, दो तीन चार, चार फंदे सीधे एक दो तीन, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं इन्हें सीधा बनाएंगे, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं एक दो तीन चार। इस सिलाई में हमें जो जाली वाले फंदे हैं वो सीधे बनाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नीचे हमने उल्टे बनाए थे, यहाँ पे सीधे बनाने हैं, यहाँ पे आके थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, अब फिर से सीधी रो में आगे, सीधी रो में पहले यहाँ पे दो के तीन फंदे उल्टे बनाए थे, ये देखिए एक दो तीन फंदे उल्टे बनाए थे, अब फिर से इस फंदे को सीधा करेंगे, दो का एक करेंगे, ऊपर से जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे, इन दो फंदों का एक करेंगे, दो का जो करते हुए, दो का एक करते हुए ऊपर से जाली बनाएंगे, आगे पहले दो फंदे थे फिर चार हुए, अब छः फंदे बन जाएंगे, ऐसे यहाँ पे उल्टे बंदे फंदे बढ़ते जाएंगे, अब दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। फ्रेंड्स, मैं पूरा बोल बोल के बताती हूँ, साथ साथ में मेरे बनाया करो, बड़ी आसानी से बनेगा, पूरा बोल के बताती हूँ मैं पूरी रो। यहाँ पे उल्टे करेंगे फंदे, यहाँ पे दो का एक करेंगे फंदे को सीधा करते हुए और ऊपर से जाली डालते हुए, दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, यहाँ पे एक दो, दो फंदे सीधे, यहाँ पे दो का एक करेंगे, धागा पीछे रहने देंगे, जाली डालते हुए तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे स्टिच ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जाली वाले फंदे हमें सीधे बनाने हैं, ये देखिए जाली वाले फंदे यहाँ पे सीधे बनाने हैं और बाकी जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाना है, ये रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, सीधी रो में ये देखिए, सीधी रो में अब हमें यहाँ पे साइड में एक फंदा बढ़ाना है, आप जैसे बढ़ाते हो वैसे बढ़ा लो, मैं यहाँ से ऐसे बढ़ाती हूँ, ये देखिए इस फंदे को ऐसे उठाती हूँ और ऐसे उल्टा बनाती हूँ, यहाँ पे उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे, ये देखिए उल्टे बना लिए, धागा अपनी तरफ रखा, इस फंदे को सीधा किया, दो का एक किया जाली डालते हुए, एक फंदा सीधा बनाया, दो फंदे उल्टे, यहाँ से अब बाजू के साइड में फंदे बढ़ाने शुरू कर दिए हमने, हमें तीन सिलाई बना के फोर्थ सिलाई में फंदा बढ़ाते जाना है, फोर्थ सिलाई में बढ़ाते जाना है, आगे आगे इसकी जैसे शेप बनती जाएगी, बाजू की शेप बनती जाएगी, थोड़ा बनाने के बाद फिर चार सिलाई बनाने के बाद पाँच फिफ्थ सिलाई में बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे आगे आगे जैसे जैसे शेप बढ़ती जाएगी तैसे तैसे हमें थोड़ा आगे सिलाइयाँ बढ़ाते जाना, स्टार्टिंग हमें तीन सिलाई बना के फोर्थ में फंदा बढ़ाना है, फिर फिफ्थ में बढ़ाएंगे, फिर सिक्स्थ में बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे शेप इसकी बनती जाएगी, बाजू की शेप ऐसे ही बनती जाएगी। हमें उतनी देर तक फंदे बढ़ाने, जब तक ये यहाँ पे कुछ फंदे उल्टे, ये उल्टे बढ़ाते जाना, उल्टे बनाते जाना, साइड पे जितने बढ़ाएंगे उसे उल्टा बनाते जाना, बाद में उन्हीं पे डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। देखिए, धागे को पीछे रखेंगे और यहाँ पे बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे पे फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, उल्टी रो फिर से वैसे ही जो हमें
सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधे बनाना है, जाली वाला फंदा भी सीधा बनेगा, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही पूरी उल्टी रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स सीधी रो में आगे ये उल्टे फंदे उल्टे ही बनाएंगे। पहले उल्टे फंदे उल्टे बना लेते हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइन कुछ चेंज होगा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, डिज़ाइन कुछ चेंज होगा। इन छः फंदों को हमें अदला बदली करनी है। ये सेंटर में उल्टे, ये वाले फंदे हमें आगे से इस साइड पे लाने हैं, ये वाले सीधे फंदे पीछे से हमें इधर लाने हैं, और सेंटर वाले उल्टे फंदे सेंटर में रहेंगे। तो कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें तीसरी वाली सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। इन दो फंदों को ऐसे उतार लें, इसको आगे रखें, इन फंदों को आगे रखेंगे। और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पीछे ये वाले चार फंदे, ये वाले दो फंदे हमने दूसरी साइड लेके जाने हैं सीधे, तो इन्हें पहले ऐसे निकाल लेंगे, उल्टे फंदे सिलाई में डालेंगे, और पीछे से ही ऐसे, ये देखिए ऐसे सीधे फंदे दूसरी साइड लेंगे, उन्हें हमें सीधा बनाना है, उन फंदों को सीधा बनाना है। सेंटर वाले उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे। थोड़ी परेशानी आती है फ्रेंड्स, ये वाले सीधे फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे। तीसरी सिलाई की ज़रूरत इन फंदों पे पड़ती है बदला बदली करने में। ये देखिए इस साइड पे आ गए, ये देखिए ऐसे चेंज होंगे। ये सेंटर वाले फंदे उल्टे जो बने हैं, ये उल्टे ही बनेंगे, इन्हें उल्टा ही बना लेंगे पहले। इन्हें उल्टा भी बना लेंगे, ये देखिए, ये फिर से इस साइड पे रखेंगे पीछे करके। ये चार फंदों पे ये वाले पीछे वाले सीधे फंदे निकाल के पीछे से इधर ले आएंगे, इन्हें सीधा बना लेंगे। एक दो फंदे हैं तो दो फंदे सीधे बना लेंगे, आराम से बनाइएगा फ्रेंड्स। दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, उल्टे फंदे जो सेंटर वाले हैं उन्हें सेंटर में ही रखना है, उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया, इन फंदों को इस सिलाई पे लेके आएंगे और इन्हें सीधा बनाएंगे, इन्हें सीधा, एक एक दो, इन्हें सीधा बना लिया। आगे उल्टे फंदे उल्टे ही बना लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर से फंदों की अदला बदली करेंगे। ये वाले फंदे इस साइड पे रखेंगे, धागा पीछे करेंगे, पीछे से इन चार फंदों में से दो फंदे सीधे वाले आगे लेके आएंगे और इन फंदों को पीछे लेके जाएंगे, फिर इन्हें सीधा बना लेंगे। पहले सीधे फंदों को दो को सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ किया, दो फंदों को सेंटर वाले फंदों को उल्टा बना लिया, धागा पीछे किया, इन फंदों को इस सिलाई पे लेके आएंगे। इस सिलाई के लिए ज़रूरत पड़ती है तीसरी सिलाई की, इन फंदों को अदला बदली करने के लिए। ये उल्टे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। स्टिच ऐसे ही। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें, ये सीधे नज़र आ रहे हैं इन्हें सीधे बनाएंगे। यहाँ पे दो सेंटर में, ये देखिए दो साइड में उल्टे आएंगे और सेंटर में सीधे आएंगे। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस पार्ट को हमने बनाया अभी। अब क्या करेंगे, ये देखिए सेंटर में दो फंदे उल्टे और साइड में ये वाला डिज़ाइन, ये वाला पार्ट अब इधर बनेगा, इस साइड पे बनेगा, और ये वाला सेंटर वाला, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया था, ये सेंटर में आ गया। ये ऐसे ही चलता जाएगा। इस फट्टी को, इस पूरे डिज़ाइन को हम यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ये दो फंदे बीच में उल्टे बनते जाएंगे और ये साइड में जाली ऐसे ही डलती जाएगी, जैसे ये वाली डली है ऐसे ही डलती जाएगी। इस साइड को पहले, ये देखिए इस साइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर साथ में साइड में, इसके साइड में फंदे फोर्थ सिलाई में हमें बढ़ाते भी जाना है। पहले इसे कंप्लीट करते जाएंगे और साइड में फोर्थ सिलाई में फंदे बढ़ाते जाएंगे, पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके
ये पूरा डिज़ाइन यहाँ तक ले आओ बना के, आगे फिर मैं बताती हूँ कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, इतना बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक हमने तीन जालियाँ डाली, ये वाली तीन जालियाँ डाली। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इस पे देखिए, तीन जालियाँ डाल ली। अब यहाँ से इस साइड पे हमें ये सीधे ही लेके जाने हैं, लास्ट वाला फंदा सीधा ही बनाना है, और जो फंदे बढ़ाएंगे वो लास्ट इधर इस साइड पे उल्टे चलते जाएंगे, इस साइड पे उल्टे चलते जाएंगे, और हमें इस वाले फंदे को, लास्ट वाले फंदे को सीधे बनाते जाना है। ये देखिए, एक दो तीन, तीन बनाए, जाली सेंटर में डलेगी। यहाँ पे दो का एक किया, पीछे धागा रखा, यहाँ पे दो फंदे बनाने हैं जाली डालते हुए। अब ये वाला फंदा साइड वाला सीधा चलता जाए, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पे ऐसे सीधा किया, यहाँ पे जाली डालते हुए तीन फंदे अब सीधे बनाएंगे। अब ये वाले दो फंदे यहाँ पे आ गए, ऐसे ही डिज़ाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा। फिर से यहाँ से सीधे बनाएंगे तीन फंदे, जाली अब पहले इस साइड पे डली थी, अब इस साइड पे डलेगी। दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, दो फंदे बनाने हैं ऊपर जाली डालते हुए। इस साइड पे फंदे को सीधा किया, जाली डालते हुए दो का एक किया, बाकी फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन फंदे सीधे, यहाँ पे दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, ऊपर जाली डालेंगे, और साथ में दो फंदे उल्टे बनाएंगे। इस फंदे को सीधा करेंगे, सीधा बनाएंगे, जाली डालते हुए दो का एक करेंगे, साइड में तीन फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ पे साइड में कोई जाली नहीं डलेगी, ये वाले उल्टे फंदे उल्टे ही चलेंगे, साथ में ऐसे ही जो फंदे बढ़ाएंगे वो उल्टे ही चलते जाएंगे। आगे जाके हमें डिज़ाइन चेंज करना है, जो डिज़ाइन बढ़ाना है आगे चल के, उतने फंदे बना लेंगे पहले, तब डिज़ाइन चेंज करेंगे, उतनी देर तक ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए, जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी सीधा बनाना है, और बाकी के जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बना लो, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लो, जाली वाले फंदे सीधे बनेंगे। सीधी रो में फिर से यहाँ पे हमें जाली नहीं बनानी है, सीधा ही बनाना है। अब दो फंदे सीधे आए, ये देखें, दो का एक बनाया, धागा पीछे रखेंगे जाली डालते हुए, पहले दो फंदे थे अब चार फंदे बनाएंगे उल्टे, धागा इधर ही रखेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे और ऊपर से जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। पहले उल्टी रो में जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है, जाली वाले फंदे भी उल्टी रो में सीधे ही बनेंगे, और उल्टे फंदे तो उल्टे ही बनाने हैं, पहले इसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, लास्ट वाले उल्टे फंदे उल्टे, और यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाया, दो का एक किया, यहाँ पे दो फंदे रहने चाहिए, जब दो फंदे रह जाए तब डिज़ाइन चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे धागा पीछे रखेंगे, जाली डालते हुए सेंटर वाले फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं, धागा अपनी तरफ रखेंगे, फंदे को सीधा करेंगे, दो का एक बनाएंगे ऊपर जाली डालते हुए। ये देखिए, इधर भी दो बन गए, यहाँ पे साइडों में दो दो फंदे और बीच में उल्टे दो फंदे आ जाएं तो डिज़ाइन चेंज हो जाता है, तब फंदों की अदला बदली करनी पड़ती है, उतनी देर तक डिज़ाइन ऐसे ही चलता है। उल्टे फंदे उल्टे ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा करते हुए जाली डालेंगे ऊपर, दो बन गए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए ये वाले फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, दो का एक करते हुए जाली बनाएंगे ऊपर, लास्ट वाले फंदे उल्टे बनाएंगे। साथ साथ में फोर्थ सिलाई में फंदे बढ़ाते भी जाना है, तभी बाजू की शेप आएगी। उल्टी रो में ये देखिए, उल्टी रो में जाली वाले फंदे सीधे बनाने हैं, और जो उल्टे आ रहे हैं नज़र उन्हें उल्टे, और जिन्हें सीधा जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाते जाओ। फ्रेंड्स देखिए, आगे नया पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखिए,
ऐसे हमने यहाँ पे ऐसे इधर को क्लोज़ किया, इधर से क्लोज़ किया, यहाँ से ऐसे इधर को क्लोज़ होगा, इधर से ऐसे क्लोज़ होगा ये वाला सेंटर, और ये वाला जो साइड में खुली है ये वाली पत्ती, ये वाली इधर खुलेगी बाहर वाली साइड पे। नया डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे डिज़ाइन आगे चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये सेंटर में दो फंदे उल्टे आए हैं, ये यहाँ पे दो फंदे उल्टे आएंगे, यहाँ पे दो फंदे उल्टे आएंगे, एक सीधा आएगा, एक दो का एक करेंगे इधर सेंटर में जाली बनाएंगे, और साइड वाले जो दो फंदे हैं वो उल्टे आएंगे। फिर से वैसे ही डिज़ाइन स्टार्ट होने लग पड़ा जो स्टार्टिंग में किया था। ये देखिए अब ये दो फंदे उल्टे आएंगे, यहाँ पे दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे जाली डालते हुए, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा करेंगे, उल्टे फंदे सेंटर में क्लोज होते जाएंगे, ये देखिए कम होते जाएंगे, घटते जाएंगे, ये देखिए दो तीन चार पाँच छः, जो स्टार्टिंग में छः फंदे उल्टे लिए थे अब यहाँ पे फिर से वैसा ही शुरू हो गया स्टार्टिंग वाला पार्ट, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फंदे को सीधा करते हुए ऊपर जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे पीछे की तरफ, सेंटर में छः फंदे उल्टे बनाएंगे, दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखे, ये देखिए इधर भी जाली बनेगी, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा करेंगे, दो का एक करेंगे पीछे की तरफ, सेंटर वाले फंदे में से एक लेना है, एक सीधा फंदा, एक उल्टे फंदे को लेना है, दो का एक करना, ये डब्बी बंद होती जाएगी। इधर भी दो फंदे उल्टे लेंगे, उधर जैसे स्टार्ट किया वैसे ही इधर करेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा करेंगे बाहर की तरफ, ये देखिए आगे उधर भी दो फंदे उल्टे आए थे, इधर भी दो फंदे उल्टे आ गए, उल्टी रो में जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाओ, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बना लो, ऐसे ही बना के पूरी रो कंप्लीट कर ले। सीधी रो में दो फंदे उल्टे बनाए थे, अब एक फंदा उल्टा आएगा क्योंकि इसके साथ हमें दो का एक करना है, दो का एक किया, जाली डालते हुए हमें दो फंदे, पहले एक फंदा सीधा बनाया था अब दो फंदे सीधे बनाए, ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है, दो सीधे जाली डालते हुए, यहाँ पे हम अंदर को जा रहे हैं तो इसे सीधा करेंगे, उल्टा फंदा लेंगे साथ में, दो का एक करेंगे ऊपर जाली बनाएंगे, यहाँ पे एक दो तीन चार, पहले छः थे अब चार बन गए, फिर दो बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ही डिज़ाइन चलता जाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया आगे आगे भी ऐसे ही बनाते जाओ, जैसे जैसे मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स वैसे वैसे आप भी बनाते जाएगा, और मैं पूरा बोल बोल के बताती हूँ आपको ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए डिज़ाइन कि कैसे बनाना है, इसलिए मैं पूरा साथ साथ में बोलती हूँ, एक दो तीन चार, एक दो, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक दो फंदे सीधे, जाली डालते हुए यहाँ पे दो का एक करेंगे, पहले फंदे को सीधा करेंगे फिर दो का एक करेंगे, सेंटर में चार फंदे, पहले छः फंदे थे फिर अब चार, उसके बाद दो हो जाएंगे, ये घटते जाएंगे, जब दो हो जाएंगे तब ये कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, जाली डालते हुए इसको सीधा करेंगे, पहले ऊपर जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, उल्टी रो में वैसे ही करेंगे, जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाना है, जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बनाना है। फ्रेंड्स ऐसे ही बनाते हुए, ये देखिए ऐसे ही बनाते हुए पूरा ये साइड में फंदे बढ़ाते जाना है, फोर्थ सिलाई में फिर आगे इसकी शेप बननी शुरू हो जाए, आगे आपको लग रहा है कि फंदे ठीक है बढ़ने शुरू हो गए हैं तो पाँचवीं सिलाई में कर ले, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपको महसूस हो कि बाजू कितनी खुली चाहिए, ये देखिए
ठीक बन रही है। वैसे वैसे फंदे बढ़ाते जाइए, ये हमें पूरी अपनी बाजू तक पूरी लेंथ पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट तभी होगा जब ये वाली फंदे हम क्लोज़ करने, ये डब्बी क्लोज़ करनी शुरू करेंगे। इधर फंदे उतने हमारे पास बन जाएंगे बढ़ा के, ये साइड वाले फंदे उल्टे ही रखने हैं, उतने फंदे बन जाएंगे तब दूसरी ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ऐसे सेंटर में कहीं नहीं होगा फ्रेंड्स, सेंटर में कहीं मत करना, ये डिज़ाइन ऐसे एडजस्ट नहीं होगा, यहीं पे होगा। कि यहाँ पे ये देखिए हिसाब रख ले, यहाँ पे डिज़ाइन डाल दिया, यहाँ पे हमने उल्टे फंदे बीच में चला दिए, ये देखिए इसके सेंटर में आए, इसके सेंटर में हमने डिज़ाइन चेंज किया, फंदे बढ़ा रहे थे, यहाँ पे फंदे हमारे पास उतने बन गए कि डिज़ाइन हम आसानी से एडजस्ट कर सके। तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन यहाँ पे जब क्लोज़ करने लगो तब इस साइड पे डिज़ाइन स्टार्ट करना, तभी ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। हम पहले इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं बाजू की, जितनी हमें लेंथ चाहिए, तो फिर आगे इसकी काट बताएंगे कि काट कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरी इसकी लेंथ, ये देखिए यहाँ पे हमने पहले ये देखिए एक दो फिर तीन बन गए, आगे चार बन गए, ऐसे ऐसे ये डिज़ाइन बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे पत्तियाँ बढ़ती जाएंगी, जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमें फंदे घटाने हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इधर से फंदे अब काट शुरू हो जाएगी। तो चलो कैसे करते हैं, चार फंदे घटाएंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे घटा लिए, बाकी जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा ही बना लो। ये देखिए अब यहाँ पे सेंटर में हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इधर से दो सीधे, यहाँ पे दो का एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, जाली डालते हुए सेंटर में ये वाले फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, फंदे को सीधा किया, जाली डालते हुए ये देखिए एक दो तीन, एक दो, एक दो, यहाँ पे जाली डालेंगे तो दो फंदे पहले दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए फंदे उल्टे बनाएंगे, इधर से फंदे को सीधा करेंगे, दो का एक करेंगे, ऊपर से जाली डालेंगे। यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते फ्रेंड्स मेरे 100 ये फंदे बन गए थे। अगर आपने बड़े साइज़ में बनानी है, बाजू थोड़ी लंबी बनानी है, तो फंदे भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, तो आप अपने हिसाब से बाजू की लेंथ रखें। दो का एक करेंगे पीछे की तरफ, पहले फंदे को सीधा करेंगे फिर दो का एक करेंगे पीछे की तरफ, सिलाई को पीछे करते हुए ये आगे से करेंगे, धागा पीछे रखा, जाली डालते हुए ये सेंटर वाले फंदे उल्टे बनाएंगे, अब धागा इधर रखेंगे, इस फंदे को घुमा के पहले सीधा करेंगे फिर पीछे की तरफ जाली डालते हुए दो का एक करेंगे, यहाँ पे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, ये देखिए दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए ये उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे, यहाँ पे जाली डालते हुए फंदा सीधा करेंगे, पहले पीछे की तरफ दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो फंदे सीधे बनाए, जाली यहाँ पे दो का एक करेंगे पहले, फिर उसके बाद जाली डालेंगे, जाली डालने के बाद फंदे उल्टे बनाने हैं, यहाँ पे जाली डालते हुए ये देखिए यहाँ पे दो फंदे सीधे, ये उल्टे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। अब डिज़ाइन एडजस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम क्लोज़ कर रहे हैं फंदे, काट कर रहे हैं बाजू की, तो डिज़ाइन ये उल्टे ही चलेंगे फंदे, क्योंकि ये सारे तो कट जाने हैं कटाई में बाजू की काट करते करते। अब क्या करेंगे, उल्टी साइड पे भी हमें चार फंदे, चार तीन दो एक,
ऐसे काट करनी है हमें, 4 3 2 1, 2 3 4। अब बाकी फंदे जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लेते हैं। ये देखिए, अब जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लो, जाली वाले भी उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, जाली वाले जो है सीधे बनाएंगे, सीधों इन सीधे फंदों के साथ सीधे बनाएंगे, बाकी जो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स 4 3 2 1 की पूरी काट पहले कर लेते हैं, 4 3 2 1 की काट यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 3 2 1 की काट करके कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये सारे फंदे, बचे हुए सारे फंदे, इन्हें हम क्लोज कर देंगे, सारे फंदों को क्लोज कर देंगे लास्ट तक। ये देखिए, ऐसे यहाँ से यहाँ तक सारे फंदे क्लोज करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आगे सारे फंदे एकदम से क्लोज कर देने हैं। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से आपको ये बनाना बताऊं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर मेरे सिखाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सारे फंदे ऐसे ही क्लोज़ कर लेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। सारे फंदे क्लोज कर लिए। देखिए फ्रेंड्स, पूरी बाजू बन के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।